डिस्कवरी विद दिनेश यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। आज हम आपको ले चलेंगे आदि मानव द्वारा बनाई गई 5000 साल पुरानी शैलचित्र रॉक पेंटिंग जो कि करमागढ़ में अवस्थित है, जो उषाकोठी नाम से परिचित है। आपको मैप के जरिए दिखाने की कोशिश करेंगे। करमागढ़ देख सकते हैं, यह है करमागढ़, बहुत ही घना जंगल। ये देख सकते हैं जूम हो रहा है, यहाँ पे अवस्थित है उषाकोठी। देख सकते हैं मैप पे किसी चट्टान की तरह दिखने वाला ये अंदर से चट्टान खोखला है और उसी के ऊपर ये पेंटिंग हुआ है। ये करमागढ़ है। करमागढ़ से आप किसी व्यक्ति के साथ जाएं क्योंकि रास्ता भटकने का डर बना रहेगा, बहुत ही घना जंगल है। देख सकते हैं ये चट्टान जैसे दिखने वाला ये नीचे से खोखला है और उसी के ऊपर ये पेंटिंग बनाई गई है। अभी जूम करने से देख सकते हैं पूरा इलाका कैसे दिखता है। उषाकोठी जाने के लिए बहुत सारे रास्ते हैं, लेकिन यहीं से आपको ऊपर से नीचे की ओर जाना होगा। देख सकते हैं ये पहाड़ी, ये रास्ता है। ये महुआ का पेड़ है जो कि यहीं से आगे आपको रास्ता मिल जाएगा। देख सकते हैं यही रास्ते से आपको 700 से 800 मीटर जाना होगा। ये देख सकते हैं आप, अभी जो चट्टान दिखा रहा था उसी के ऊपर है ये, इसी ये देख सकते हैं इसी के इसी चट्टान के ऊपर ये यही चट्टान है वो जो गूगल मैप पे दिखा रहा हूँ, यही है, इसी के ऊपर खड़ा हूँ मैं अभी। ये नीचे कम से कम 90 से 100 फीट होगा। यहाँ से आगे जाके नीचे झांकने की कोशिश ना करें क्योंकि अगर चट्टान अंदर से खोखला है, अगर गिर गए तो सीधा 90 से 100 फीट नीचे गिरेंगे। आप देख सकते हैं पूरा इलाका कैसा दिख रहा है। ये देख लीजिए, ऐसे चट्टान जो है अंदर से खोखला है, अगर आप गिर गए तो सीधे नीचे खाई में चले जाएंगे। ये नीचे तरफ खाई है जो कि झरने के रूप में पानी ऊपर से नीचे की ओर जा रही है। देख सकते हैं बहुत ही फिसलन भरा रास्ता। अगर गांव के किसी व्यक्ति के साथ आते हैं तो आपको ठीक रहेगा, नहीं तो जंगल में भटक भी सकते हैं। देख सकते हैं पानी का ये बहुत ही अद्भुत दृश्य। उषाकोठी जो है छत्तीसगढ़ राज्य के रायगढ़ जिले के करमागढ़ गांव में आता है। देख सकते हैं स्थान को ना भूलें, छत्तीसगढ़ राज्य रायगढ़ डिस्ट्रिक्ट करमागढ़ गांव उषाकोठी। बहुत ही खूबसूरत नज़ारा, आश्चर्य कर देने वाला चट्टान पे ये प्रकृति का वरदान समझो या खूबसूरती। ये देख सकते हैं आप पेंटिंग के पास, शैल चित्र के पास हम देख सकते हैं मेरे पीछे 5000 साल पुराना
शिलालेख पहले ही आदि मानव का लिखा हुआ चित्र जो कि पत्थर पर अंकित किया गया है। आप देख सकते हैं मानव सभ्यता ने अपनी भावनाओं को प्रकाशित करने के लिए कहीं गुफा पे कहीं मंदिरों पे बहुत सारे चित्र अंकित किए हैं। इन्हीं समय से एक है छत्तीसगढ़ का रायगढ़ जिले के करमागढ़ गांव के नज़दीक यही पत्थर पे देख सकते हैं बहुत सारा पहले ज़माने के जो आदमी थे जो मानव थे वो बहुत सारा चित्र इसमें अंकित। देख सकते हैं ये पानी कम से कम 50 फीट की ऊपर से नीचे आ रहा है और इसके नीचे खाई दोनों मिलाकर कुल 100 फीट नीचे हो जाएगा, ऊपर से नीचे तक 100 फीट। इस स्थान को देखते हुए ऐसा लग रहा है जैसे समय यात्रा करके 5000 साल पीछे चला आया हूँ। देख सकते हैं ऐसा नज़ारा बहुत ही अद्भुत। ये पानी की बूंदें करीबन 50 फीट की ऊपर से नीचे तक आ रही है। ये पेंटिंग को सुरक्षित रखने के लिए घेराव किया गया है क्योंकि कुछ लोग हैं जो अपना नाम और कुछ लिख देते थे ऊपर पेंटिंग के, तो ये अच्छा हुआ। जो भी आए यहाँ ये ऐतिहासिक धरोहर है, इसके ऊपर कुछ ऐसा ना करें जिससे ये चित्र जो खराब हो जाए। अभी आप देख सकते हैं आदि मानव द्वारा बनाए गए चित्र जो कि अभी के समझ से बाहर है। कुछ तो पहचान में आ जाएंगे लेकिन कुछ जो है पहचानने में बहुत सी कठिनाई आती है। आदिकाल से ही मानव अपनी भावनाओं को चित्र के रूप में कहीं मंदिर पे मूर्ति के रूप में अंकित किए हैं। चित्र को देखते हुए ऐसा लगता है कि मानो कोई परजीव हमें कुछ कहना चाहते हो, लेकिन ये इसी धरती का है जो कि हजारों साल पहले अपने भावनाओं को जीवन शैली को रहन सहन को चित्रकला के रूप में अंकित किए हैं। ना जाने कई योगों से कई कालों से मनुष्य जो है प्रकृति को जानने की कोशिश की है। इस रहस्यमयी संसार में प्रकृति को जानना बहुत ही कठिन है। ना जाने कई योगों से आदिकाल से मानव जानने की कोशिश की है, फिर भी ये अज्ञात ही है। देख सकते हैं बहुत ही अनोखा चित्र जो कि उस समय के आदि मानव अपनी भावनाओं को अंकित किए हैं।
उषाकोठी के इस चित्रलेख में सबसे ज़्यादा पाए जाने वाले चित्र हैं, जो कि 300 से भी ज़्यादा हैं। देख सकते हैं बहुत ही अनोखा चित्र, इतने सालों के बाद भी अभी तक ये स्वस्थ रूप से दिख रहा है। अगर यहाँ आते हैं तो कुछ ऐसा काम ना करें जिसे ये ऐतिहासिक धरोहर खराब हो। इस धरती पे ना जाने कितने आदि मानव हुए, कितने सभ्यता गाड़ी, कितने जाति, कितने उपजाति, किसी के भाषा प्रकाशित हुए, किसी की समझ में आई तो किसी की ना समझ। देख सकते हैं अभी चित्र पर किसी जंगली जानवर का शिकार करते हुए चित्र अंकित किया गया है, जैसे हिरन वगैरह हो। देख सकते हैं उसके नीचे कछुआ, बहुत ही रहस्यमय चित्र अंकित हुआ है, देख सकते हैं। यही तक ही था, आगे का चट्टान जो है इसी तरह बनी है, लेकिन उसमें कोई लिपि वगैरह नहीं है। प्रकृति का अनोखा रूप इसी पत्थर पर अंकित हुई है। इसके नीचे बहुत बड़ा खाई है। ये जो पूरा इलाका है इसी तरह चट्टानों से भरी पड़ी है। अगर यहाँ आते हैं तो आपको किसी गांव वाले से व्यक्ति को लेकर आना होगा, नहीं तो आप जंगल में कहीं भटक सकते हैं। और ये जो ऊंचाई देख रहे हैं इसी के ऊपर ध्यान से आना होगा, आप इधर नीचे तरफ नहीं आएंगे, क्योंकि नीचे से ये पत्थर जो है खोखला है, गिर भी सकते हैं। देख सकते हैं कितना ऊंचे से ये पानी आ रहा है, कैमरे से पता नहीं लग रहा लेकिन ये बहुत ऊंचाई में है। इसका देख सकते हैं चट्टान प्राकृतिक रूप से खोखला है। प्रकृति ने रहस्यों से भर दी है कर्मागढ़ का। ये खूबसूरत उषाकोठी, ऐसे ही रहस्यों से भरा स्थान को जानने के लिए हमारे
यूट्यूब चैनल डिस्कवरी विथ दिनेश यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें। डिस्कवरी विथ दिनेश यूट्यूब चैनल। करमागढ़ आने के लिए आपको रायगढ़ से 32 किलोमीटर, झारसुगुड़ा से 74 किलोमीटर और सुंदरगढ़ से 78 किलोमीटर आना होगा। अगर आप यहां आते हैं किसी गांव वाले के साथ या जो पहले से रास्ता मालूम है उन्हीं के साथ आएं, अन्यथा रास्ता भटक सकते हैं। देख सकते हैं खूबसूरती उषाकोठी की, ये चट्टान मानो जैसे लग रहा है अभी जीवंत हैं। इसी के साथ चलते हैं और एक नई खोज को डिस्कवरी विथ दिनेश यूट्यूब चैनल में। सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें। डिस्कवरी विथ दिनेश यूट्यूब चैनल।